हेलो नमस्कार भाई और बहनों, दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं द अनूप सिंह शो। इस वीडियो में मैं अपने जॉब का एक साल का दुबई में पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों का शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने इंडिया में ऑलरेडी 3-4 जगहों पर काम कर रखा है, जिसमें कि पहला आता है एयरटेल के कॉल सेंटर में, मैंने 15-20 दिन जॉब किया है। और उसके बाद में दोस्तों, मैंने एक मॉल में 45 डेज अराउंड काम किया था एज अ कैशियर। उसके बाद में मेरी तीसरी जॉब थी, मतलब मैं बच्चों को थोड़ा कंप्यूटर पढ़ाता था। और उसके बाद में चौथी जॉब थी, मैं बिग बास्केट में जॉब करता था। मैंने टोटल इंडिया में 4 जॉब किया, जिसमें सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला जॉब था बिग बास्केट, उसी में मैंने 6 मंथ अराउंड काम किया। उसके बाद में मैं इंडिया से थोड़ा सोच रहा था कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊँ, सीन हो गया था, इस वजह से मेरा मूड मतलब चेंज हो रहा था। मैं सोच रहा था इंडिया से अभी दुबई चलना चाहिए थोड़ा मूड को सही करने के लिए। तो दोस्तों, मैंने अपने पापा के पास कॉल लगाया। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरे पापा भी दुबई में रहते हैं, वो भी एक सुपरमार्केट में एज अ मैनेजर काम करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पापा से ऑलरेडी बात कर रखी थी, तो मैंने पापा से बोला कि मैं भी दुबई आना चाहता हूँ। तो पापा ने 2-4 दिन के अंदर ही मेरे को विजिट वीज़ा दे दिया। तो मैं फर्स्ट टाइम दुबई आया था 1 जनवरी 2019 को विजिट वीज़ा पर आया था। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम देखनी पड़ी रूम को लेके, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई आके जब रूम में एंटर हुआ, तो मैं देखा, अरे यार, ये एक एक रूम में कितने लोग रह रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा, चलो कोई नहीं, हर कोई यार पैसे कमाने आया है, थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे हैं, हम भी कुछ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो मैंने रूम में किसी तरह एडजस्ट किया। कुछ दिन तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और दोस्तों उस टाइम तो मैं विजिट वीज़े पे ही था, जॉब की थोड़ी बहुत सर्चिंग चल रही थी। फाइनली पापा ने एक जगह जॉब की थोड़ी सेटिंग बैठा दी कि हाँ भाई, आपको इधर ही जॉब करने का है। तो मैं गया वहाँ पे, बातचीत की, इंटरव्यू दिया, सब कुछ ठीक चला। उसके बाद में मैं 3 महीने के अंदर ही मतलब एग्ज़िट होने के लिए जाना पड़ता है। एग्ज़िट मीन्स आपको फिर से दुबई में, जैसे अगर आप विजिट आए हैं और फिर से जॉब करना चाहते हैं, तो वहीं पर रह के आप जॉब नहीं कर सकते, एग्ज़िट लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको दुबई छोड़ के दूसरे देश जाना पड़ेगा, अपने पासपोर्ट पे स्टाम्प लगवाना पड़ेगा। तो मैंने दूसरे देश जाने के बजाय, मैंने 12 दिन के लिए अपने ही कंट्री आना चाहा। मैं सोचा इसी बहाने अपने घर वालों से भी मिल लूँगा, क्योंकि अब तो थोड़ा लंबा सफ़र चलेगा, 2.5 साल का वीज़ा। तो इस वजह से मैं अपने फैमिली से मिलने आ गया अपने घर, 12 दिन की छुट्टी कह लो, जो भी कह लो। तो उस टाइम पर मैं घर पहुँचा और 2 दिन में मेरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आ गया, जिसमें मेरा जॉब लगा था एज अ सेल्स मैन, जो थोड़ा आइटम आइटम डिस्प्ले करते रहते ना, वही 1800 द्रम सैलरी मिली थी, जो कि इंडिया के लगभग 36,000 रुपये होते हैं। तो मैं भी थोड़ा खुश हो गया, चलो ठीक है, 36,000 कम नहीं होते। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जॉब में क्या था। 12 घंटे की ड्यूटी थी, महीने की आपको 4 छुट्टियाँ मिलेंगी, लेकिन हर हफ्ते आपको हाफ डे करके मिलेगा। हाफ डे आप समझ रहे हैं ना, मतलब फुल डे छुट्टी नहीं थी। अगर आप फुल डे लेते हैं तो महीने के सिर्फ आपको 2 छुट्टियाँ मिलेंगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी पैसे कमाने आए हैं तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो मैं दोस्तों इस पे काम करने लगा। दोस्तों, आते ही मैंने 1 महीने तक एज अ सेल्स काम किया। फिर मैं देखा, मुझे कैशियर में थोड़ी ठीक लगा, अपॉर्चुनिटी लगी, तो मैंने डायरेक्ट जाके मैनेजर से बोला कि सर, मैं एज अ कैशियर काम करना चाहता हूँ, मुझे ये सेल्स का काम थोड़ा कम समझ में आ रहा। तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, कल से आप कैशियर का काम करो, नो प्रॉब्लम। तो उसी के बाद मैं कैशियर का काम करने लगा। लगभग 2 महीने तक मैं कैशियर का काम किया। उसके बाद मैं, एक पाकिस्तान का बंदा था, उसको अलग जॉब ऑफर मिल रहा था अच्छे सैलरी पैकेज के साथ में, तो उसने दोस्तों यहाँ पे रिज़ाइन दे दिया, मतलब मेरी कंपनी में जिसमें मैं काम कर रहा था वहाँ पे उसने रिज़ाइन दे दिया। तो जो मैनेजर था उसने मेरे से पूछा, क्या आप आईटी का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे रिज्यूम पे सब कुछ लिखा हुआ था कि मतलब थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज भी है, कंप्यूटर पढ़ा भी रखा है। तो इस वजह से उन्होंने पूछा कि आप आईटी का काम भी कर पाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मन में थोड़े खुश हो रहा था मैं, चलो अब थोड़ा रिलैक्स हो गया, बैठने को मिलेगा, क्योंकि 12 घंटे खड़े होके तो हालत ख़राब हो रही थी। और मैं साथ में सोचा, चलो क्या पता सैलरी भी बढ़ जाए, तो थोड़ा मन में लड्डू फूट रहे थे। दोस्तों, उसके बाद में लगभग मैं 3-4 महीने एज अ आईटी काम करता रहा। फिर दोस्तों, लाइफ में थोड़ा सा और चेंजेस आया। इत्तेफाक से जो नाइट मैनेजर था उसकी सैलरी इंडिया के हिसाब से लगभग 50,000 रुपये थी,
तो इत्तेफाक से उसका भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो रहा था। तो फिर जो ओनर थे वो खुद आए और उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा क्या आप नाइट मैनेजर का पोस्ट मतलब कर सकते हो काम? तो पहले तो मैं खूब खुश हो गया, मतलब मन में लड्डू फूटने लगा, यार अब तो मज़े आ गए, अब तो सैलरी भी बढ़ जाएगी, अब तो एकदम। तो फिर मैंने कहा कि कर सकता हूँ, बट अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी लग रही, क्योंकि अभी एज बस 21 में और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने बोला आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपको कल बताता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला आप ऐसा करो, आप 1 हफ्ते का मुझे ट्रायल बेस पे रखो, अगर आपको मेरा काम ठीक लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ, नाइट मैनेजर की पोस्ट संभाल सकता हूँ, तो फिर आप मेरे को नाइट मैनेजर ही रहने दो। फिर उन्होंने बोला ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में दोस्तों में आके दूसरे दिन से ही अपना चार्ज संभाला सब कुछ, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और तब से मैं अब तक एज अ नाइट मैनेजर काम कर रहा हूँ, और मन में लड्डू फूट रहे थे, यार सैलरी अब तो बढ़ेगी, अब तो अपनी प्रमोशन हो गया, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि धुएं में 1 साल के पहले सैलरी बढ़ने के बारे में भूल जाओ। वैसे मैं इतना फोकस नहीं करता, बट थोड़ी सी खुशी तो आ ही जाती है, हाँ शायद सैलरी बढ़ जाए, इट्स ओके। दुबई में दोस्तों सीन ऐसा है, कुछ आपके पास नॉलेज होना चाहिए, डिग्री कोई मायने नहीं रखती यहाँ पर, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। और जैसा आप लोग भी देख सकते हैं, 1 साल के अंदर कोई बंदा सेल से डायरेक्ट मैनेजर तक बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कम कंपनीज में चांस होता है। और दोस्तों यही रहा मेरा सफ़र, और अभी तो 1 साल और बाकी है, हो सकता है शायद मैं इस कंपनी का ओनर ना बन जाऊँ। दोस्तों चाहे आप इसको लक कह लें या फिर जो भी कहना हो कह सकते हो, कि मतलब 1 साल में कैसे मैंने मैनेजर तक का डिस्टेंस कंप्लीट किया, ये तो सब ऊपर वाला ही जानता है कैसे हो गया। तो दोस्तों शायद मेरे में थोड़ी बहुत टैलेंट थी, काबिलियत थी, इस वजह से सब कुछ इतना जल्दी इतनी बढ़िया से होता चला गया। तो दोस्तों आप लोग बताएं हमें ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग खुद कैसे विजिट वीज़ा लेके दुबई आ सकते हैं, कैसे अच्छी जॉब पा सकते हैं दुबई में, यहाँ पर रहने का कितना खर्चा आएगा, यहाँ पर खाने का कितना खर्चा आएगा, हर एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल वीडियो आएगी और 100% ट्रू वीडियो आएगी, जिसमें कोई भी झूठ नहीं रहेगा, सब कुछ सच्चाई के साथ में आएगी। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।